कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, रिलायंस को पार्टनर बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपील, कहा प्रधानमंत्री भ्रष्ट है। एलिगेशन लग रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा तो देना चाहिए, अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा अनिल अंबानी की कंपनी को दिया गया 30,000 करोड़ का मुआवजा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है। राहुल गांधी का आरोप, अंबानी के चौकीदार हैं पीएम, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के दौरे पर भी उठाए सवाल। 5 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत के मामले में रामपाल दोषी करार, अदालत ने सुनाया फैसला। हत्या के 2 मामलों में हिसार की अदालत ने सुनाया फैसला, करार दोषी करार दिया। 16 और 17 अक्टूबर को 2 अलग-अलग मामलों में सुनाई जाएगी सजा। रामपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया पेश, हिसार के सेंट्रल जेल नंबर 1 में हो रही है सुनवाई। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरे हिसार में धारा 144 लागू, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सेंट्रल जेल में स्थित कोर्ट के चारों तरफ 3 किलोमीटर का सुरक्षा घेरा, करीब 2,000 जवानों की तैनाती, आरएएफ की 5 कंपनी तैनात। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकवादी। मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी नहीं, सूत्रों के मुताबिक अलीगढ़ के स्कॉलर से आतंकी बना मनान वानी भी था घेरे में। पुलवामा में देर रात आतंकी हमले में स्पेशल पुलिस अफसर जख्मी, घर में घुसकर मारी गोली। गुजरात के भरूच में एसपी और डीएम ने किया स्टेशन और बस स्टैंड का दौरा, लोगों को दिया सुरक्षा का भरोसा। यूपी के बांदा में अगवा बेटी की बरामदगी के लिए पिता लगा रहे हैं थाने के चक्कर, पुलिस अधीक्षक से मिलकर लगाई गुहार। सबरीमाला मुद्दे पर तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा का विरोध, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, मंत्री के घर का घेराव कर रहे थे कार्यकर्ता। दिल्ली के मुखर्जी नगर में लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। बागपत में पेट्रोल पंप पर लूटपाट की कोशिश, भीड़ देखकर अपनी बाइक छोड़कर भागे बदमाश। ग्वालियर में चोरी की 21 बाइक बरामद, 4 वाहन चोर भी गिरफ्तार। अजमेर में केमिकल लदे ट्रक में भीषण आग, ट्रेलर से टकराने के बाद हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में एक दुकान में आग से तबाही, काफी मशक्कत के बाद बुझी आग। लखनऊ के ठाकुरगंज में सगे भाइयों की हत्या के आरोपी ने की खुदकुशी, पुलिस से घिरता देख सुसाइड का शक। रेड के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी को किया गिरफ्तार, डबल मर्डर केस के दोनों आरोपियों पर था 15,000 रुपए का इनाम। रायसेन में बीजेपी के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा, कहा चुनाव का करेंगे बहिष्कार, नहीं देंगे बीजेपी को वोट। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के कई इलाकों में तितली तूफान का संकट, अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेज हवाओं ने मचाया कोहराम, 1 की मौत, बड़ी तबाही। श्रीकाकुलम में तेज हवाओं की वजह से पेड़ हुए धराशायी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। श्रीकाकुलम में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, बचाव दल मलबा हटाने में जुटा। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कोलकाता चेन्नई हाईवे पर कई गाड़ियां फंसी, लोग हुए परेशान। ओडिशा के गोपालपुर में सबसे गंभीर हालत, वहां हवाओं की रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा। गोपालपुर से करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, हालात पर बचाव दलों की नजर। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी, समंदर से 3 मीटर ऊंची लहरें उठी। अगले 12 घंटे में तूफानी हवाएं चलने की आशंका, लोगों को सतर्क किया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक तितली तूफान ने उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा को पार किया। पारादीप और गोपालपुर में समंदर से 8 मछुआरों को बचाया गया। गोपालपुर में 5 मछुआरों की नाव समंदर में डूबी, कोस्ट गार्ड के जवानों ने किया रेस्क्यू। ओडिशा में एनडीआरएफ की 10 टीम तैनात, ओडीआरएफ की 8 टीम भी मुस्तैद। ओडिशा में 300 पावर बोट्स भी लोगों के बचाव के लिए तैयार, 1,000 जवान मुस्तैद। ओडिशा में खतरे के मद्देनजर आज से 2 दिन के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद। तितली तूफान की वजह से ओडिशा में कई ट्रेन रद्द की गई, कुछ के रूट में बदलाव। तितली तूफान की वजह से कई उड़ानें भी रद्द, हाई अलर्ट पर राज्य सरकार। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने लिया तैयारियों का जायजा, लगातार मॉनिटरिंग जारी। भुवनेश्वर में मौसम विभाग का बयान, ओडिशा में भारी बारिश के बाद बंगाल की तरफ बढ़ेगा तितली तूफान। पश्चिम बंगाल में भी खतरे की आहट, कोलकाता के दीघा इलाके में समंदर किनारे प्रशासन ने किया लोगों को अलर्ट। अमेरिका के 3 राज्यों में माइकल तूफान ने मचाई तबाही, क्यूबा में तबाही के बाद त्राहिमाम। पनामा सिटी में तूफान के बाद आई भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, मकानों को भी नुकसान। पनामा सिटी बीच पर उठी हैं लहरें, ऊंची ऊंची लहरें, मौसम विभाग ने जताया 4 मीटर तक लहरें उठने का अनुमान।
फ्लोरिडा में सड़कों पर भरा समंदर का पानी, भारी नुकसान की आशंका। श्रेणी चार के अधिकतम खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुका है माइकल, भारी तादाद में लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। विदेश मामलों के राज्य मंत्री एमजे अकबर पर इस्तीफे का बढ़ा दबाव, यौन शोषण के आरोपों के बाद कांग्रेस ने की त्यागपत्र की मांग। अब तक 8 महिलाओं ने लगाए एमजे अकबर पर आरोप, बीजेपी के सभी नेताओं ने टिप्पणी करने से काटी कलनी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले एमजे अकबर का पक्ष जानना जरूरी, 10 से 20 साल बाद शिकायत करना ठीक नहीं। अफगानिस्तान में तैनात भारतीय राजनयिक आलोक झा पर अफगानी सांसद नाहिद फरीद ने लगाया यौन शोषण का इल्जाम, बुलाया जा सकता है देश वापस। तनुश्री दत्ता ने मुंबई के ओशिवारा में दर्ज कराई नाना पाटेकर के खिलाफ शिकायत, 6 घंटे की पूछताछ के बाद नाना के अलावा 4 और लोगों के नाम एफआईआर में शामिल। तनुश्री के समर्थन में सामने आई कांग्रेस, मुंबई महिला कांग्रेस की अगुवाई में प्रदर्शन। निर्देशक सुभाष कपूर पर लगे यौन शोषण के इल्जाम के बाद आमिर खान ने फिल्म मुगल के प्रोडक्शन से खींचा हाथ। आलोकनाथ पर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने मिले समर्थन के लिए कहा थैंक्स, बोली ये तो अभी शुरुआत है। मी टू कैंपेन में जुड़ा कॉमेडियन कनीज सुरका का भी नाम, साथी कॉमेडियन अदिति मित्तल पर लगाया जबरन किस करने का आरोप। तमिल गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने गीतकार वेरामुत्तु पर लगाए यौन शोषण के आरोप, वेरामुत्तु ने इल्जाम किए खारिज। राम मंदिर के मुद्दे पर शिवसेना ने फिर बोला हमला, संजय राउत बोले 2019 से पहले बीजेपी कराए निर्माण, नहीं तो छोड़े सत्ता। यूपी बिहार के लोगों पर हमले के आरोपों में घिरे अल्पेश ठाकुर का अनशन, इल्जाम को किया खारिज। अमरोहा में कम नहीं हुआ किसानों का गुस्सा, 6 दिन बाद भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ नो एंट्री के बोर्ड लगाकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट नाराज, राज्य के प्रमुख सचिव गृह, ग्वालियर कमिश्नर आईजी, ग्वालियर और चंबल संभाल को भेजा नोटिस। ग्वालियर में भारत रत्न अटल जी की प्रतिमा स्थापित, मंत्रोच्चार के साथ वैदिक रीति रिवाज से हुई पूजा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के घर पर 24 घंटे से आयकर विभाग की छापेमारी जारी, वहां से मिले कई दस्तावेज की जांच जारी। बिहार के सुपौल में भीड़ ने पुलिस के सामने ही 2 लुटेरों को पीटा, लोगों से बचाने में छूटे पुलिस वालों के पसीने। मुजफ्फरपुर में भीड़ ने बैग चुराकर भाग रहे चोर को पकड़कर पीटा। उदयपुर के खेरवाड़ा पुलिस ने हवाला के 47 लाख रुपए जब्त किए, 1 आरोपी अरेस्ट। राजगढ़ में नई करेंसी के नकली नोट बरामद, 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। रांची में पेट्रोल पंप के नजदीक लुटेरों का कारनामा सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में शख्स को लाठी डंडों से पीटे जाने का वीडियो हुआ वायरल, परिजन को देखने जा रहे लोगों की गार्ड ने की पिटाई। मैनपुरी में 6ठी क्लास के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, हत्यारों ने मांगी थी 20 लाख रुपए की फिरौती। गाजियाबाद के मुरादनगर में बच्ची के साथ रेप और हत्या, 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मथुरा में खेत में मिला महिला का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के बार में बाउंसर और पब मालिक ने युवक को पीटा, बुरी तरह घायल युवक अस्पताल में इलाज जारी। नोएडा में इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ठगी, गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार। विराट में पत्नी की अवैध संबंधों के शक में हत्या, पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, पति गिरफ्तार। नालंदा में फेसबुक पोस्ट पर अश्लील कमेंट करने और युवती के साथ छेड़खानी करना आरजेडी नेता को पड़ा भारी। चाईबासा में चलती पैसेंजर ट्रेन में युवती के साथ रेप, रेलवे अस्पताल में पीड़ित ने पर्ची में लिखित बताकर बताई आपबीती। राजस्थान के अलवर में जेल के अंदर हंगामा, 2 कैदियों में झड़प। सहरसा में लड़कियों ने मंचलों के आतंक से स्कूल जाना छोड़ा, 4 आरोपियों में से 2 गिरफ्तार। गिरिडीह में टैंकर से पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। बर्दवान में कर्ज की वजह से किसान ने की खुदकुशी, कीटनाशक खाकर दी जान। लखीमपुर खीरी में दुधवा पार्क प्रशासन ने उत्तराखंड से लखनऊ लाए जा रहे 3,000 तोते किए बरामद, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। टुमकुर में गैस सिलेंडर फटने से लगी कैंटीन में आग, पास ही के बैंक तक फैली आग से काफी नुकसान। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कार के साथ हुआ हादसा, 3 युवक घायल। अजमेर में हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर का कहर, पहले 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, फिर ट्रक से टकराया, 3 की मौत। दिल्ली के उस्मानपुर में नशे की हालत में रेस लगाना पड़ा भारी, थाने के पास गड्ढे में गिरी कार। चित्रकूट में 4 साल की बच्ची की दारोगा की कार से टकराकर मौत, फोन पर बात करते हुए ड्राइव करने का आरोप। खुलते ही आज औंधे मुंह गिरा बाजार, करीब 1,000 अंकों की गिरावट के साथ खुला सेंसेक्स। निफ्टी में भी गिरावट का दौर, अभी 150 अंकों से ज्यादा लुढ़क कर कारोबार। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी, आज 27 पैसे महंगा हुआ डीजल। डीजल में 1 लीटर प्रति लीटर की कीमत 74 रुपए 26 पैसे, मुंबई में डीजल 78 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर।
आज 10 पैसे महंगा हो गया पेट्रोल, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.36 रुपए। वेस्टइंडीज के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट की तैयारी में जुटी टीम इंडिया, कल से मुकाबला अंतिम 11 में बदलाव पर टीम मैनेजमेंट का विकल्प खुला। पाकिस्तान के खिलाफ दुबई टेस्ट में हार की कगार पर ऑस्ट्रेलिया, जीत के लिए 462 का पीछा कर रहे कंगारुओं के लिए तीन विकेट 136 पर गिरे। शंघाई मास्टर्स ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में रॉजर फेडरर रूस के डेनिल मेदवेदेव को 3 सेट में हराया। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने यूथ ओलंपिक में जीता गोल्ड, घर परिवार में जश्न का माहौल। पाकिस्तानी स्पिनर अब्दुल रहमान ने किया संन्यास का ऐलान, 38 साल के रहमान खेलते रहेंगे घरेलू क्रिकेट। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।